हेलो जी, नमस्ते। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कटहल के बीज की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक छोटी सी बात भी बताऊँगी मैं, जिसको हम लोग कर लेने से हम लोग की सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी खाने में और अच्छा लगेगा। सिंपल वॉश करने के बाद इसे उबालना है। जैसे राजमा या चना उबालते हैं हम लोग, वैसे ही 2 या 3 सीटी लगा लेनी है। अब इसे खोलेंगे और चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बीज बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो 1 सीटी और लगा लें। 2 सीटी मैंने लगाई थी, पर देखिए ये ठीक हो गया है। अब इसका जो एक्सेस वाटर है इसको हम लोग हटा लेंगे, अब ठंडा होने देंगे। अब इसको हम लोगों को ये छिलका हटाना है। ये देखिए, ये प्लास्टिक की तरह होता है, ये सब्ज़ी का स्वाद ख़राब कर देता है। तो उबाल के जब ये हटा लीजिए तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यही मैं आपको बताने वाली थी, बहुत ज़रूरी है इसे हटाना। इसी तरह सभी को हटा लेंगे हम लोग। अब इसका सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। अब ये जो छिलके हैं हम लोगों के, ये देख रहे हैं इतने सारे थे, इसको फेंक देंगे। और ये है सोया बीन, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और प्याज, मिर्च और लहसुन, इसका हम लोग नॉर्मली पेस्ट तैयार करेंगे, सब अपने टेस्ट के अनुसार ले लेंगे। ऑयल गरम कर लेंगे, मस्टर्ड ऑयल है, उसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल के और थोड़े से कटे प्याज डालेंगे और इसको भूनेंगे हम लोग। भूनेंगे हल्के आँच पे अभी। अब देखिए, ये गरम मसाला, हल्दी, और ये हल्दी डाल देंगे हम लोग। और ये है सोट, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है इसमें। सोफ पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, इन सबको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। इस तरीके से कभी सब्जी बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था ना मिर्च और प्याज का, इसको हम लोग इसमें डाल के भूनेंगे और अपना मसाला डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इस मसाले को अभी भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना, और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे बस। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम का रखेंगे ध्यान, इस समय फ्लेम को रखेंगे कम हम लोग। अब बस इसको करना क्या है कि इसको हम लोग ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हल्का हल्का सा हम लोगों का ऑयल रिलीज होने लगा है मसालों में से। अब इसमें डाल देंगे हम लोग सोयाबीन और जो बीज थी हम लोगों के कटहल की वो, और इसे मिक्स करना है। मैंने बताया ना कि मसालों को बहुत देर तक अभी नहीं भूनना है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद ही हम लोग इसमें धीरे धीरे साथ में ही सब भूनता रहेगा, फ्लेम बिल्कुल कम रहेगा। कम फ्लेम पे आप इसे कम आँच करके बिल्कुल ऐसे ही अब छोड़ दीजिए, जलेगा भी नहीं। और ढक के छोड़ देंगे हम लोग इसको और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, इस तरीके से बनाते हैं। तो लीजिए, रेडी है, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।